किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया अल्लाह की हुसना का सिलसिला चल रहा है जी आज अल्लाह तबारक के नौवें नाम पर गुफ्तु करेंगे और वह अलआजीज़ अल अजीज अल अजीज़ अल अजीज का माना जबरदस्त गालिब वो ज़ात जो जबरदस्त गालिब हो उसको अजीज कहते हैं और यह नाम कुरानी करीम में नाइन्टी टू टाइम आया है बानवे दफ़ा कुरानी करीम में आया है और इस नाम के आदात जो है हैं वो नाइन्टी फोर हैं चुरानवे इसकी आदात हैं और अजीज़ उस ज़ात को कहते हैं कि जो दुश्मनों से इंतकाम लेने में बड़ा सख्त है ज़बरदस्त गालिब है और जब वो इंतकाम लेने का इरादा करे तो उसको फिर हटा नहीं सकता कोई रोक नहीं सकता उसको कहते अजीज़ और यही वजह कि अल्लाह तबारक वाले की अजीज़ अजीजियत की शान की वजह से ही दुनिया का ज़र्रा जर्रा उसके मंशा के मुताबिक चल रहा है वरना अगर अजीज़ियत की शान ना हो तो दुनिया में कितनी चीज़ें हैं कि जो मन मर्जी करें लेकिन ये इन, इन सो जिन को अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है इख्तियार के तहत वो नाफ़रमानिए भी कर जाते हैं लेकिन उसके अलावा जितनी भी मखलूक़त हैं वो अल्लाह की इस मंशा से बाहर नहीं हैं वो अजीजियत की शान की वजह से वक्त पे शुरे निकलता है वक्त पे गरूब होता है चाँसुर सितारे अपने अपने फल्कियात के निज़ाम के तहत चलते हैं इवन है कि सराओं के ज़र्रे तक जो है उसके मनशा की वदावी हरकत करते हैं तो ये वो अजीज़ ज़ात है और इस नाम के बड़े अजीब गरीब फ़वाद हैं जहाँ तक जो है वो पहले फ़ायदा का ताल्लुक़ है इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई शख्सा चाहता है कि मेरे काम जो बिगड़े ना करें बहुत से लोग हैं जिनके काम बिगड़ जाते होते होते रुक जाते हैं एन मंजिल पर पहुँचते हैं फिर एकदम ढह जाते हैं और कोई सीधी कोई कल सीधी नहीं है ये हालत होती है उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है उसके लिए चार सौ ग्यारह मरतबा रोज़ाना ये पढ़ा जाए अव्वल आखिर दो सौ मरतब दरूशीफ़ के साथ अब अब्द्रूशी दरुद इब्राहिमी भी पढ़ा जा सकता है या कोई छोटा दरूद पढ़ लें सल्ला मोहम्मद वाली वसलम ये भी पढ़ सकते हैं तो दो सौ मरतबा दरूद पढ़ें और चार सौ ग्यारह मरतबा ये पढ़ें कोई एक वक्त मुकर कर रहे हैं कि एक सन, इस नमाज के बाद मैंने पढ़ना फिर उसी के बाद पढ़ता रहे और ये नाइन्टी टू डेज़ जो है पाबंदी से करे उसका कोई काम फिर अटकेगा नहीं और सारे काम जो टेढ़ वो सीधे हो जाएंगे ये इसमें बड़ी ताकत है और दूसरी इसके तासीर है कि अगर कोई तकवे वाला बनना चाहता है नेक साले बनना चाहता है या वालदे चाहते हैं कि औलाद नेक साले बन जाए या ये कि बीवी चाहती शौहर जो वो नेक साले हो जाए कोई भी रिश्ता तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है ये इकतालीस मरतबा इकतालीस मरतों जाना पढ़ के किसी खाने पीने की चीज़ पर दम करके उस मुत का शख्स को खिलाते रहें अगर खिलाना मुमकिन नहीं है तो तस्वूर में उसके ऊपर दम करते रहें या उसके कपड़े वगैरह क्लॉजिट में टंगे हुए तो उनके ऊपर पानी छिड़कते रहें और ये सेवेंटी वन डेज पाबंदी से कर लें इन श्ला तबारक वाल उसके दिल को मत कर देते हैं सुबह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा और एक फ़ायदा इसका यह है कि अगर जो इंसान जो है वो ये चाहता है कि अल्लाह तबारक वाले की ख़ास रहमत मुझ पर जो है वो नाजिल हों और हर वक्त अल्लाह की रहमतों के मज़े उड़ाओ और किसी किस्म की कोई जो है वो परेशानी और टेंशन ना आए उसके लिए तहज्जुद के वक्त में दो हज़ार मरतबा इसका वर्द करें या आजीज़ू या आजीज़ू या आजीज़ों के साथ दो हज़ार मरतबह करे अव्ला के ग्यारह मरतब्रशीफ़ तो इन श्रा ऐसी मुजरब इसके अंदर तासीर है कि इंसान पर अल्लाह की खास रहमत शाम हाल रहेगी और कभी उसकी रहमत से बाहर नहीं होगा और ये फोटी वन डेज पाबंदी से कर ले और हमेशा तायात है कि इसको जारी रखे तो ज़ाहिर वो और उसकी नस्लें सबकी नीयत कर ले सब अल्लाह की राहमतों में इन शोते लगाएंगे ये इसके अंदर फ़ायदा और एक फ़ायदा यह है कि मदमक़ाबिल मुकाबले में कोई दुश्मन का लश्कर है उससे मुकाबला है या आज के ज़माने में मैच होते हैं कि जी क्रिकेट मैच हो गया जी 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 दुश्मन जी की टीम है ये हमारी अपनी टीम है तो अब चाहते हैं कि हमारी टीम जीते दुश्मन हार जाए उसमें बड़ी ताकत है इसमें वो ये कि दुश्मन और वो दोस्त दोनों टीमें आमने सामने लश्कर हैं तो दुश्मन की टीम की तरफ इशारा इशादत की उंगली से यूँ इशारा करे या हाथ से यूँ इशारा करें जिस ऊपर से नीचे गिरा रहा है यूं इशारा करें और इशारा करके सत्तर मरतबा इसका वेद करें बस सत्तर मरतबा पढ़े अला की ग्यारह मरतब उस पढ़ के उस दुश्मन की टीम की तरफ तु ज़ोर से तीन दफ़ा फूंक दे वह हार जाएगी बहुत शिकस्त हो जाएगी उस लश्कर सुबह और आज के लश्करों को तो वक्त नहीं है हाँ। लेकिन आज के ये मैच होते हैं दुनिया में तो उसका तजर्बा करके देखिए बहुत जबरदस्त तासीर है वो टीम जो दुश्मन की इनशाला वो हार जाएगी और दोस्त की टीम जीत जाएगी मैच हो टेनिस का मैच हो फुटबॉल तो, का मैच हो बिल्कुल कुछ भी हो आप अपनी टीम के लिए टीम के लिए कर सकते हैं जी यहाँ पर भी होती है बास्किट बॉल के मैच होते हैं यहाँ पर लोगों ने अपने अपने बनाई हुई होती है कि हमारी महबूब टीम है तो ये कर सकते है तो ये इसमें बड़ी तासीर है ये कर सकते हैं उसके अलावा किसी अदालत के अंदर पेशी है या बॉस बड़ा खड़ूस किस्म का आदमी है या किसी ऐसे आदमी से मुलाकात है यार बड़ा गुस्से का तेज है क्या करें तो चालीस मरतबा इसका विरद करके अपने ऊपर दम करें और सारे रास्ते या अजीज़ों या अजीज़ों का विरद करते हुए जाएँ इन शामने जाएँगे तो वह हाकिम जो भी है वह मेहरबान हो जाएगा आप ये जबरदस्त तासीर बहुत बड़ी बात है। हाँ इसी तरीके से बीवी को डर है शोहर जो घर आएगा तो नाराज़ होगा ये घर में ये सिचुएशन पैदा हो गई क्या करूं तो बीवी या आजीज़ो चार घर में पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले इंशाल्लाह घर आएगा भले वो सिचुएशन है लेकिन वो मेहरबान रहेगा घर में कोई बदमजगी पैदा नहीं दिल नरम रहेगा दिल नरम रहेगा तो ये इसके अंदर तासीर है और जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक़ है तो ख्वाब में अगर ये लफ्ज़ लिखा हुआ देखा या इसको इसकी आवाज़ सुनी इसका मतलब एक अल्लाह तबारक वताल इसके दुश्मनों को जो है वो शखिस्त खुर्दा कर देंगे और गोया कि उनकी साजिशें दुश्मनों की तार तार हो जाएंगी ये गोया कि इसको बशारत है कि तुम्हारी दुश्मन है तुम्हें उसकी साजिशों को पता नहीं है लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उनकी साजशें तार तार कर देंगे और तुम महफूज रहोगे ये बशारत और दूसरा मतलब कि अल्लाह तबारक वताल इस शख्स को जो है महबूबियत अदा करेंगे लोग इससे मोहब्बत करेंगे इसके अंदर एक ख़ास किस्म की एक कि ऐसी चीज़ पैदा कर देंगे कि जिसके वजह से लोग उसकी तो कशिश करेंगे और उसकी बात की इतात करेंगे ये इसके लिए बशारत है ऐसी सूरत में देखें तो दौर का नमाज शुक्राना अदा करें और हसबत तो फिशा दे दें तो इस नाम की बरक़ात उस शख्स को हासिल होने लगेंगी सुबह हज़रत काम की बात काम, बहुत काम की बातें आपने एक सारी जिंदगी को की रुकावटें दूर करना सिर्फ चार सौ बारह दफा में बता दिया। यही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चार सौ ग्यारह चार सौ ग्यारह चार सौ ग्यारह दफा में सारी जिंदगी की रुकावटों को दूर करने का रास्ता आपने दिया ठीक है और जो मैं समझाऊँ या अजीजों का मतलब जीतने वाला जी बिल्कुल हाँ, गालिब, बिल्कुल गालिब। ठीक है ना तो ये ये तो अगर ये आप करते रहे फिर आपने जो बात बताई मुकदमों की अदालतों की अखड़ बॉस की हाँ, उ, उनके लिए कितनी आसान बात है कि जिंदगी को आसान करने के लिए इसका विद करें गाड़ी में जाते हुए विद करते हुए तो चले जाए ठीक है तो 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 मतलब अगर कोई सोचे तो इन्हीं छोटी छोटी बातों से अपनी जिंदगी को आसान कर लें और फिर आपने तहजद के वक्त जो वजीफा बताया जी कि खुदा की रजा हासिल करने के लिए एक ये काम कर लें और 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 वो भी दिनों की ही बात है यानी दिनों में वो आप मुकम्मल कर लें और सारी जिंदगी बिल्कुल काफी मतलब कैसे नुस्खे हैं कोई ना कोई, कोई दाम है <laughs> ना कोई आने जाने की तकलीफ है कहीं घर में कदर करे कदर करे कदर करे इस्तेमाल करे और और हमें बताए कि क्या फायदे हैं तो ये 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 बातें घर में बैठे अपने टी वी पे या अपने फोन के ऊपर लोग सुन रहे हैं और और कितने कीमती वजाइफ हैं जो कि आसानी के साथ मिल रहे मिले सुबह हजरत तह दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका और मुझे यकीन है कि सब शुक्रगुजार हैं आपके तो तो ये तो हो कीमती uh, बात आज की